हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन उपाध्याय। यू आर वाचिंग योर फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कनेक्ट अवर लेक्चर टू द लास्ट टॉपिक। और लास्ट लेक्चर में हमने जिस टॉपिक की बात की थी ग्राफ्स की, और वहां हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक्स, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ्स के बारे में सीखा था। और अगर हम उसी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू रखते हैं तो आज हम जो बची हुई शेप्स हैं उनमें इलिप्टिकल ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइनसोइडियल और टेंजेंशियल ग्राफ्स की हम बात करेंगे। लेकिन ये जो ग्राफ्स हैं इनका यूज फिजिक्स में रेयर यूज होता है। कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनमें इनका यूज देखने को मिलेगा, तो इनके हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं शेप्स ले रहा हूँ वो है इलिप्टिकल शेप। अगर हम इलिप्टिकल ग्राफ की बात करते हैं, इलिप्स, तो सबसे पहले जो इलिप्स जो है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स के अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अच्छा, ये इलिप्स की जो शेप होती है वो डिपेंड्स करती है ए और B की जो वैल्यू है, ए और बी यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है और इनकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। अब अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए और जो बी है अगर मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। अब देखते हैं इसकी शेप कैसी आती है। तो ये मैंने ग्राफ्स के लिए वाई एक्सिस ले लिया और इधर हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्स डैश, और ये है अपना वाई और वाई डैश। तो अगर मैं एक्स जीरो ले लेता हूं, एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। एक्स अगर अपन जीरो ले लेते हैं तो मेरे को बताओ जरा, ये जो कंडीशन आपने ली है ये अगर इस इक्वेशन में लेते हैं तो वाई जो है वाई स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर और y आएगा प्लस माइनस b। और इसके अपोजिट अगर हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू जीरो देन x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और x की जो वैल्यू है, अच्छा चलो मैं यहाँ लिखते रहा हूँ, है ना। जैसे अपन ने y लिया तो जो y की वैल्यू आ रही वो क्या आ रही थी, y इज इक्वल टू आ रहा था प्लस माइनस b। और ऐसे ही अगर हम y जीरो ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर और x की जो वैल्यू है वो हो जाती है प्लस माइनस a। अब ग्राफ पर चलते हैं तो हमारी जो शेप है वो किस तरह से हम डिजाइन करते हैं, कैसे इसके ग्राफ को अपन देखते हैं। तो यहाँ पर x जीरो लिया तो जो y की वैल्यू थी प्लस b और क्या रही थी माइनस b, ठीक है। और जब y जीरो तो x की वैल्यू जो है प्लस a और जस्ट अपोजिट माइनस a। तो जो ग्राफ है उसकी जो शेप है, ग्राफ की जो शेप आएगी वो कैसी आएगी माय डियर, ए जो ग्राफ है उसकी जो शेप है वो हो गई अपनी तो ये अप्रोक्स इस टाइप की इसकी शेप होगी इलिप्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ये जो है इस वाले पॉइंट्स को मैं मान ले रहा हूं क्या ए और ए, और इस वाले पॉइंट्स को मैं ले रहा हूं बी। तो ये जो
ये जो एक्सिस है जिसकी लेंथ कितनी है, ए है, ए, ये इसकी हो जाएगी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और ये वाली जो इसकी लेंथ है कितनी, बी, तो ये जो एक्सिस है इसको अपन नाम दे रहे हैं क्या, जिसकी लेंथ कितनी है, बी है। तो ये हो गई अपनी ओ ए जो है वो तो हो गया अपना क्या, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और ओ बी ये हो गया अपना सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा, और कुछ पॉइंट्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें फोकस, दो फोकस होते हैं, एक एफ और एक मैं ले रहा हूं एफ डैश, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम द सेंटर, और वो डिस्टेंस मैंने ले लिया किससे, सी से। तो ये दोनों जो पॉइंट्स होते हैं एफ और एफ डैश, एफ एंड एफ डैश इज, एफ एंड एफ डैश इज द फोकस, फोकस ऑफ द इलिप्स, फोकस ऑफ द इलिप्स, यही लिख दे रहा हूं। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, फोकस, उसको अपन बोलते हैं फोकी। एफ एफ डैश इज द फोकी ऑफ इलिप्स, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एफ एफ डैश है इज इक्वल टू होता है टू सी, और हियर सी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मेजर एक्सिस माइनस स्क्वायर ऑफ माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। अच्छा, और अगर अपन आगे चलते हैं तो इसमें एक और टर्म हम यूज करते हैं काफी, वो है एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी जो होता है ई इज इक्वल टू होता है सी अपॉन टू, ई इज इक्वल टू सी अपॉन टू, और जो सी की जो वैल्यू थी वो थी क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अपॉन टू। तो ये हो गया अपना क्या, ई की वैल्यू हो गई। अच्छा, अगर एक और चीज एरिया की अगर अपन बात करते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स, तो एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। तो ये कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स हमने किससे रिलेटेड सीख लिए, इलिप्स से रिलेटेड। तो इसको माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और आगे अब अपन इलिप्स के आगे चलते हैं नई शेप पर, और वो है सर्कल। हम एक और शेप की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट शेप जो मैं ले रहा हूं वो है सर्कल, और सर्कल जो है इलिप्स की ही एक लिमिटिंग कंडीशन होती है, लिमिटिंग कंडीशन जिसमें हम सेमी मेजर एक्सिस जो होती है वो इक्वल कर देते हैं किसके, सेमी माइनर एक्सिस के। अगर सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस के इक्वल हो जाती है तो वो इलिप्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सर्कल में। सर्कल जो वो इलिप्स जो था उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था अपना क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, है ना। इफ, अब मैं इसमें कंडीशन ले रहा हूं, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए काय के इक्वल हो जाता है बी के, देन, अच्छा सेमी एक्सिस जो है, सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू
सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। ये है सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, इसकी जो ग्राफ्स की जो शेप की अपन बात कर रहे थे, तो ये जैसे मैंने यहां पे ले लिया y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये अपना ले लिया अपन ने x एक्सिस, x x डैश और y और y डैश, ठीक है। अच्छा, अगर अपन जीरो लेते हैं, x जीरो लेते हैं, तो जो y की वैल्यू है वो प्लस ए y, है ना, प्लस ए और माइनस ए, माइनस, ठीक है। अच्छा, और अगर y जीरो लेते हैं देन x प्लस ए और माइनस ए, ठीक है। अच्छा, इसकी जो शेप आएगी वो सर्कल मोस्ट कॉमन शेप है, आप अपन सभी जानते हैं अपन लोग, है ना। ये जो शेप है अपनी कैसी शेप हो गई अपनी, सर्कुलर, है ना। ओके, तो जो दोनों एक्सिस हैं, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा, अब अगर अपन देखेंगे तो जो इसकी जो रेडियस है ना, वो इस वाले एक्सिस पे भी ओ बी इज इक्वल टू अपना हो जाएगा काहे के, ओ ए के। तो ये जो सर्कल है उसकी कंडीशन अपन समझ रहे हैं कि इलिप्स में हमने जो कंडीशन डाली थी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं इसी सर्कल को कौन से प्लेन में ले लेता हूं, एक्स वाई प्लेन में, जैसे ये है मेरा क्या एक्स एक्स डैश और वाई और वाई डैश, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, है ना, एक्स एक्स डैश और वाई और वाई डैश। और मैंने सर्कल जो लिया है वो इस क्वाड्रेंट में ले लिया, है ना, ये तो मेरा वाई डैश था, ये ले लिया। अब इस सर्कल की इक्वेशंस क्या, इस वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, ये ले लिया मैंने, कौन से प्लेन में, ये मेरा एक्स वाई प्लेन। तो इसकी जो इक्वेशंस होगी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सेंटर है वो देखो कहाँ है, ये और ये, ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो ये जो सेंटर इसका अपन ने कंसीडर किया है एक्स वाई प्लेन में, इसके जो सेंटर की जो पोजीशन है वो हम मान ले रहे हैं x कोमा वाई, और इसकी जो रेडियस है ना, सेंटर की जो इसकी पोजीशन है वो अपन ने क्या ले ली x कोमा वाई, और इसकी रेडियस अपन क्या ले रहे हैं a ले रहे हैं। तो इसका जो इक्वेशंस बनेगा, रेडियस अगर इसकी r लेते हैं अपन, है ना, तो इसकी इक्वेशंस क्या बनेगी x माइनस a, इसकी इक्वेशन
सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा दोनों कंडीशन अलग 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 है, इनकी पोजीशन जो है वो अलग अलग है, एक्स एक्सिस पे ए और वाई एक्सिस पे क्या है इसकी पोजीशन बी है, तब इसका, ठीक है। अब चलते हैं अपन, तो ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर होता है तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और जब सर्कल का जो सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन में होता है तब इसकी इक्वेशन। तो डेफिनेशन, अब इसको अपन डिफाइन कर दे रहे हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने बताई कि क्या, सर्कल सर्कल इज अ लिमिटिंग लिमिटिंग कंडीशन लिमिटिंग कंडीशन ऑफ इलिप्स इलिप्स इन विच द सेमी सेमी मेजर एक्सिस इज सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई अपनी किसकी, सर्कल की। तो अब चलते हैं हम, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट डिस्कस ले लो और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपने दूसरे शेप पर जिसकी हम बात कर रहे थे। हम नेक्स्ट जो ग्राफ्स पढ़ रहे हैं वो है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम जानते हैं, है ना, साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कोसेक। तो मैं मेन मेन जो ग्राफ्स हैं साइन और टेन, साइन टेन का जो ग्राफ है वो तुम्हें बताता हूं। देखो क्या होता है, साइन कॉस और टेन का मैं तुम्हें ग्राफ बता देता हूं, और कोसेक सेक और कॉट इनका जस्ट कैसा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो सबसे पहले जो हम ग्राफ ले रहे हैं वो ले रहे हैं, फर्स्ट जो ग्राफ है वो ले रहे हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स। ए साइन एक्स की जब अपन बात करते हैं तो यहां अब जो वैल्यू है वो देखो मैं क्या लेता हूं, सबसे पहले अपन ले रहे हैं एक्स जीरो, है ना, एक्स जीरो ले रहे हैं। तो जो वाई की वैल्यू है, एक्स अगर अपन जीरो लेते हैं तो जो वाई की जो वैल्यू है वो आएगी अपनी जीरो, है ना। और एक्स एक्स अगर हम ले लेते हैं पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री, देन वाई हो जाएगा अपना ए, और एक्स की जगह अगर अपन ले लेते हैं पाई, देन वाई हो जाएगा अपना अगेन जीरो, और एक्स की वैल्यू अगर ले लेता हूं मैं थ्री पाई बाई टू, 3π/2 means 270, 3π/2। तो जो y की वैल्यू है अगेन माइनस ए, और x ले लेते हैं 2π, तो y जो है वो अगेन हो जाएगा जीरो। तो मैंने ये एक कंप्लीट सर्कल ले लिया है जिसमें जीरो
से 360 तक एंगल लिए हैं, और तुम वैल्यू देखो, वैल्यू जो है वो वाई की पहले जीरो पर जीरो आ रही थी, फिर ए, फिर जीरो, फिर माइनस ए, फिर जीरो, फिर प्लस ए, फिर जीरो, माइनस ए, तो यही वैल्यू एक डेफिनेट इंटरवल्स के बाद रिपीट होगी। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उसको अपन बोलते हैं साइनसोइडियल ग्राफ। अच्छा, जो साइनसोइडियल ग्राफ है किस तरह की शेप लेगा वो बताता हूं मैं, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमने ले लिया क्या वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो ये ओरिजिन हो गया, और यहां पर जो एंगल अपन बात कर रहे थे पाई वाई टू, पाई थ्री पाई वाई टू और टू पाई, ठीक है, ये ऑन एक्स एक्सिस अपन ने, और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है वाई की वो हमारी चेंज हो रही है ए, है ना, और माइनस ए के बीच में, ए जीरो और माइनस ए। तो अब देखो ग्राफ कैसे सेट होगा, जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है वाई की, पाई वाई टू पे वाई की वैल्यू क्या आ रही थी ए, दिस पॉइंट, पाई पे फिर जीरो हो गई, थ्री पाई वाई टू पे फिर वैल्यू कैसे आ रही है माइनस आ रही है, और फिर टू पाई पे जीरो, ऐसे ही आगे ग्राफ चलता जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ है उसकी शेप साइनसोइडियल शेप जो है वो कैसी होगी, देखो ए ये ग्राफ हो ना, ये शेप होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे अगर इसको ले जाते हैं तो अगर मैं y इज इक्वल टू लेता हूं a cos x, ठीक है, y इज इक्वल टू a cos x, अब कैसी सी a cos x, तो वही चीज x अगर अपन जीरो रखते हैं तो y आएगा a, है ना, cos जीरो की वैल्यू वन होती है, और वन होती है तो ये y a आ गया, x pi by 2 अगर मैं लेता हूं तो y क्या आएगा जीरो आएगा, x pi लेते हैं तो y माइनस a आएगा, cos 180 माइनस वन होता है, x 3 pi by 2 अगर अपन लेते हैं तो जो y है अगेन जीरो, और x अगर अपन लेते हैं 2 पाई तो जो y की वैल्यू है वो हो जाएगी अगेन a। तो ये भी अपना साइनसोइडियल, बट इसकी जो शेप अगर अपन देखेंगे तो ये अपना y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो जो देखो y की जो वैल्यू है x जीरो और ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में चेंज हो रहा है ना। तो और एंगल्स मैंने तुम्हें क्या बताया, एक लिया अपन ने क्या पाई वाई टू, पाई थ्री पाई वाई टू और टू पाई, देखो आगे जो ग्राफ है वो रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए अपन ने इसमें कुछ एक 360 तक ही एंगल लिए। अच्छा, जीरो पे जो वैल्यू आ रही है वो ए आ रही है, ठीक है, फिर पाई वाई टू पे जीरो हो गई, और पाई पे हो गई माइनस वन, फिर जीरो हुई, और फिर वैल्यू कैसी हो गई प्लस हो गई, तो अपना जो ग्राफ है उसकी जो शेप आएगी वो साइनसोइडियल शेप आएगी, लेकिन जो ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है वो चीज इसमें वाई वाले में और इसमें डिफरेंस है, जो वाई वाला है और इसमें अगर अपन देखेंगे तो क्या चीज चेंज हो रही है, एक तो इसकी जो तो ये जो ग्राफ है एक सेकेंड,
ये वैल्यू अपनी आ गई किस पर, पाई बाई टू पर, और पाई बाई टू पाई और थ्री पाई बाई टू, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है कहां से स्टार्ट हुआ, ये ग्राफ अपना स्टार्ट हुआ है जीरो पे प्लस के से, है ना। अच्छा अब बात करते हैं आगे, अगर इसी की जगह अब हम एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, थर्ड नंबर पर मैं ले रहा हूं कौन सा, टेन ए टेन एक्स, है ना। यहां पे हम एक्स जीरो लेते हैं तो जो वाई है वो जीरो आएगा क्योंकि टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अच्छा अगर मैं एक्स पाई बाई टू लेता हूं, एक्स कितना लेता हूं 90 डिग्री, ठीक है, तो वाई की वैल्यू टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, टेन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ठीक है, तो वाई क्या हो गया अपना इनफाइनाइट हो गया। अच्छा एक्स अगर मैं लेता हूं 180 तो y जो है अगेन जीरो हो जाएगा क्योंकि tan 180 की वैल्यू क्या होती है जीरो। अच्छा अगर x में 3 पाई बाय 2 यानी 270 लेता हूं तो जो y की वैल्यू है वो अगेन क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी अपनी इनफाइनाइट। अच्छा और x अगर मैं ले लेता हूं 2 पाई तो y अगेन से क्या होना है, जीरो होना है। लेकिन देखो अब एक कंडीशन मेरे को ये बताओ कि 0 टू पाई बाय 2 यानी 0 टू 90 तो ये क्वाड्रेंट कौन सा, ये है अपना माय डियर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन जो है वो वैल्यू देता है पॉजिटिव, कैसी वैल्यू देगा पॉजिटिव, तो ग्राफ जो है अपना पॉजिटिव रहेगा, है ना। और 90 टू 180 सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेन है वो देता है नेगेटिव वैल्यू, यानी कि हमारा ग्राफ जो है वो आएगा नेगेटिव। अच्छा 180 टू 270 ये हो गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें टेन जो है वो अगेन कैसी वैल्यू दे देता है, पॉजिटिव वैल्यू दे देता है, तो हमारा ग्राफ फिर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा 270 टू 360 तो ये फिर आ गया अपना कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें टेन जो है अगेन कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ये ग्राफ हमारा फिर से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और लास्ट में x 360 यानी कि 2 पाई तो y अगेन 0 क्योंकि tan 360 की वैल्यू। अब देखते हैं अपन ग्राफ की जो शेप है वो और देख लेते हैं, ये मैंने ले लिया y एक्सिस और ये है अपना x एक्सिस, है ना। ओके ये ओरिजिन और ये है वाई एक्सिस, यहां मैं ये जो लाइन खींच रहा हूं 90 डिग्री पर, है ना, बताऊंगा इसका यूज कैसे अपन करेंगे। और ये 180 डिग्री लाइन है और ये 270 डिग्री के लिए, और यहां पे एक लाइन और ले ले रहा हूं मैं 360 डिग्री के लिए, ठीक है। अच्छा ये 360 डिग्री के लिए लाइन हुई अपनी और ये, ठीक। अच्छा अब मेरे को एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना, ये 0 डिग्री और यहां मैं ले रहा हूं अब कितना पाई बाय 2 और ये है अपना पाई और 3 पाई बाय 2 और ये हो गया अपना 2 पाई,
आगे और एंगल ऐसे ही लेंगे। अच्छा अब वैल्यू देखो अपनी, जीरो पे जीरो आ रही है ना, यानी कि ग्राफ अपना जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा ग्राफ, ये जीरो पे जीरो। फिर पाई बाई टू पर जो वैल्यू है वो 90 डिग्री, और जीरो टू 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके बीच में सारी वैल्यू कैसे है, पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ है जीरो से स्टार्ट होगा और ये 90 पे जाके टच करेगा इस लाइन को, और ये 90 पे जाके टच करेगा। तो 90 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 90 पे इसकी वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जाके इस लाइन को टच करेगा 90 वाली लाइन को, इन्फाइनाइट आएगा नहीं। तो ये इसके मैंने कैसा छोड़ दिया, पैरेलल छोड़ दिया। पैरेलल समझ जाओगे कहाँ जाके टच करना है, इसको इन्फाइनाइट पे जाके ग्राफ टच करेगा। तो ये इसके पैरेलल मैंने छोड़ दिया, ठीक। अच्छा अब आगे अगर अपन बात करते हैं तो 180 पर अगेन जीरो हो रहा है ना, जीरो यहां आएगा ग्राफ जीरो पे, लेकिन 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और 10 की सारी वैल्यू कैसी है, 10 की सारी वैल्यू है कैसी, माइनस की है। तो ये ग्राफ जो है वो माइनस का ग्राफ जो है वो कैसा होगा, माइनस की वैल्यू में सारी। तो ये ग्राफ ठीक है, अच्छा अब आप देखो कि 180 से आगे चलते हैं 270, 180 to 270 पे फिर इनफाइनाइट हो रहा है, लेकिन 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू। तो अगेन ये यहां से फिर कहां जाके इसको टच करेगा, इनफाइनाइट पे जाके, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली सिचुएशन आ गई इसकी, सेम कहां जाके टच करना है, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट आएगा नहीं। तो ये इसके क्या छोड़ दिया हमने, पैरेलल छोड़ दिया। अब चलते हैं 270 से 360 पे जाके ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और जीरो होना है तो, लेकिन 270 टू 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ है तो इस तरह से ये ग्राफ आगे चलता रहेगा, है ना, यही सेम कंडीशंस आगे चलती रहेगी। यहां वैल्यू जो है वो अपनी और फिर आगे जाके कहां, ये इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये सेम ग्राफ ऐसे के ऐसे ही अपना रिपीट होता रहता है ना। तो ये एक बार मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं इसको कि जिस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो चल रहा है, वो मैं दोबारा से आपको समझा दे रहा हूँ। लेकिन ये देखो इस लाइन को टच कहाँ करेगा, इनफाइनाइट पे जाके, और इनफाइनाइट वैल्यू आएगी नहीं। तो ये जो लाइन है वो इसके क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। देखो मैं क्या बता रहा था आपको, एक बार अगेन इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जीरो पे जीरो वैल्यू, ग्राफ जीरो से स्टार्ट हुआ, पाई बाई टू पे इनफाइनाइट, यानी पाई बाई टू पे इनफाइनाइट, लेकिन जीरो और पाई बाई टू के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टेन की सारी वैल्यू प्लस आएंगी, तो हमारा ग्राफ कौन से कहां पे रहेगा, प्लस का रहेगा, और जीरो से स्टार्ट होगा और पाई बाई टू को कहां पे जाके टच करेगा, इनफाइनाइट पे जाके, इनफाइनाइट आएगा नहीं। तो ये इसके पैरेलल रहेगी लाइन, ठीक है, पैरेलल है ना। अब पाई बाई टू से जब 180 पे जाते हैं, पाई बाई टू से 180 पे जाते हैं, तो ग्राफ हमारा इनफाइनाइट से जीरो आएगा, यानी कि जीरो पे आएगा ग्राफ। लेकिन
आप देख रहे हो कि पाई बाई टू से 180 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 90 to 180 हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पर 10 कैसी वैल्यू देता है, माइनस की वैल्यू देता है। तो अपन ग्राफ को यूं नहीं ले सकते क्योंकि वो फिर प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो हमें वैल्यू कैसी चाहिए, माइनस की। तो ये ग्राफ अपना ये आ गया, और ग्राफ कहां से स्टार्ट हो गया है, इनफाइनाइट से, और किस जगह आके इसमें टच कर लिया, जीरो पे खत्म हो गया, है ना। फिर अपन चलते हैं पाई 180 to 270। तो 180 to 270 हमारा यानी कि वापस से जीरो टू इनफाइनाइट पे जाएगा, जीरो से कहां जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा। लेकिन लेकिन ये 180 से 180 से जो 270 है वो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 ने फिर कैसी वैल्यू दे दी, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, है ना। कहां जाके टच करेगा, इनफाइनाइट पे। फिर 270 से 360 यानी इनफाइनाइट टू जीरो होना है, लेकिन क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, 10 की जो वैल्यू होती है 10x कैसी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू थी, और यहां पे 10x कैसी वैल्यू थी, पॉजिटिव वैल्यू, और यहां पे अगेन 10x कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमारा कौन से ग्राफ कैसा, नेगेटिव। फिर 270 के जैसे ही आगे जाएंगे फिर ग्राफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, सेम मैनर रिपीट होता जाएगा ये ग्राफ, है ना। तो ये हो गया 10 का ग्राफ। तो ये साइन कॉस और टेन के ग्राफ हो गए। अब जस्ट उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक का हो जाता है, और कॉस का उल्टा कर देते हैं सेक का, और टेन का इनवर्स कर देते हैं तो कॉट का ग्राफ हो जाता है ना। अगर इनके स्क्वायर करते हैं तो प्लस में चले जाते हैं ग्राफ। तो ये ग्राफ से रिलेटेड ये टॉपिक्स अपना यहाँ पे एंड हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।